हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोमल्स किचन एक्सप्रेस। तो आज हम आपके साथ में बिल्कुल ढाबे वाले अमृतसरी छोले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो छोले की रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी जितना काबुली चने लिए हैं। इन चनों को हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। तो 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि चने का साइज डबल हो चुका है, यानी ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब इन चनों को हमने प्रेशर कुकर में ले लेना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब कुकर के ढक्कन को बंद करके हमने धीमी आंच पर 5 से 6 विसल लगने तक कुक होने देना है। तो कुकर ठंडा हो चुका है, अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब हम चेक कर लेंगे कि छोले अच्छे से कुक हो गए हैं कि नहीं। तो इस तरह से हमने दबा के देखा है, तो आप देख सकते हैं कि छोले एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब इन छोलों की ग्रेवी बनाने के लिए हमने मिक्सर जार में कटा हुआ प्याज लिया है। इसके अंदर हम अदरक और लहसुन डालेंगे। अब इसमें हल्का सा पानी डालकर हमने इसे पीस लेना है। तो प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार हो चुका है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब एक मिक्सर जार में हमने टमाटर लेना है, टमाटर की भी हमने पेस्ट बना लेनी है। तो टमाटर की पेस्ट भी तैयार है, इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम छोलों के लिए एक मसाला बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे जीरा लिया है, जीरा को हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो जीरा रोस्ट हो चुका है, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप धनिया पाउडर की जगह पे साबुत धनिया भी यूज कर सकते हो। अब इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन सारी चीजों को हमने मिक्सर जार में ले लेना है और अच्छे से इसे पीस लेना है। तो छोले के लिए स्पेशल मसाला तैयार हो चुका है। तो आइए अब हम छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने तेल डालना है। तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर तेज पत्ता डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, जीरा डालेंगे, अब जो हमने अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट बना के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे कुक कर लेना है।
तो प्याज अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसके अंदर हम टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करके हमने 2 से 3 मिनट कुक कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो हमने मसाला बना के तैयार किया था वो सारा मसाला इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारी चीजों को हमने धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक कुक होने देना है। तो आप देख सकते हैं मसाले एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम बॉईल किए हुए जो छोले थे वो डाल देंगे। छोले को बॉईल करने के लिए हमने जो पानी डाला था उस पानी को भी इसी के अंदर ही हमने डाल देना है छोलों के साथ में। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन छोलों को हमने 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुक होने देना है। तो आप देख सकते हैं छोलों में कितना बढ़िया कलर आ चुका है और ये बनके तैयार भी हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इन छोलों के ऊपर हमने एक तड़का लगाना है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक बर्तन में थोड़ा सा तेल ले लिया है। तेल गरम हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर हींग डालेंगे। अदरक को हमने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। अब इस तड़के को हम छोलों के ऊपर डाल देंगे। अब इस तड़के को छोलों के साथ में मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल अमृतसरी छोले तैयार हैं। आप इसे रोटी, नान, पराठा या फिर भटूरे के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारी आज की ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।